उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। मौजूदा समय में डीजल पेट्रोल पर करीब 60% तक का तो सिर्फ टैक्स लगता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है। अगर 16 सितम्बर 2021 के डीजल पेट्रोल के प्राइस को देखें तो पता चलेगा कि आधे से अधिक तो सिर्फ टैक्स और डीलर कमीशन में चला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी में पीएम के संसदीय कार्यालय को रंगोली से सजाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में मां गंगा का दुग्धाभिषेक भी कराया गया। वाराणसी के अलावा यूपी के कई शहरों में भी ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। अनहन सुनवा रानी लुटावेनी, अनहन सुनवा रानी लुटावेनी, अनहन सुनवा राजा लुटावे रुपया बधैया बाज आंगली बधैया बाज आंगली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुक्रवार सुबह धूप निकलने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने लखनऊ में दोपहर बाद एक बार फिर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में गुरुवार रात तक 225 एमएम बारिश हुई है, जिसके कारण तमाम इलाकों में जलजमाव की स्थितियां बनी हुई हैं। वहीं शहर के कुछ हिस्सों में वर्षा जनित घटनाओं के कारण बिजली का ढांचा भी ध्वस्त हो गया है। तमाम हिस्सों में इसके कारण बिजली संकट की स्थितियां बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश के अलर्ट जारी होने के बाद स्कूलों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। गुरुवार शाम सरकार ने कहा है कि स्कूलों को शुक्रवार और शनिवार के दिन बंद रखा जाएगा। रविवार को साप्ताहिक बंदी के कारण अब स्कूल सोमवार को खुल सकेंगे। बारिश के कारण प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया है। गाजियाबाद लोनी टॉनिका थाना एरिया में लकड़ी कारोबारी और उनके बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। कारोबारी अपने 8 साल के बेटे के साथ घर में सो रहे थे। उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ बिहार में मायके गई थी। कारोबारी का भतीजा गुरुवार सुबह हेलमेट लेने घर आया तो मेन गेट खुला मिला। घर के अंदर खून से सना शव देखकर उसने शोर मचाया तो वारदात का पता चला। एसपी ग्रामीण ने कहा कि लूट का मामला नहीं लग रहा है, परिवार के लोग रंजिश नहीं बता रहे हैं। हमारी जांच कई एंगल पर चल रही है, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। ये थाना ट्रोनिका सिटी रामपाल चौकी क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति नईमुल हसन, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, और उनके पुत्र जिसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष थी, इन दोनों का किसी ने धारदार हथियार से रात में या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग इनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद इनका गला रेता गया है। उसके कारण से अधिक रक्त बह जाने के कारण इन दोनों की ही मृत्यु हो गई है। दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अभी तक इस तरह की चीज़ें लग रही हैं, कोई भी फोर्स एंट्री नहीं है या कोई भी लूट का प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से लग रहा है कि कोई जानने वाला ही व्यक्ति है जो कि अंदर बात करके एंट्री किया है। इसमें सभी पहलुओं पर हम जाँच कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम केस को खोलेंगे और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे।